हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम उपाध्याय आज हम क्लास फोर की यूनिट वन स्टार्ट करते हैं यूनिट वन में हमारा एक पोईम है एक चैप्टर है तो हम पोईम स्टार्ट करते हैं वेक अप अप इट्स अ लवली डे ओ प्लीज अप एंड कम एंड प्ले द वर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हीयर दर्जिंग बीज इसमें इस पोईम में पोइट जो है वो एक बच्ची को जगाने की कोशिश कर रहा है वो कह रहा है वेकअप वेकअप जाग जाओ जाग जाओ उठ जाओ इट्स अ लवली डे ये बहुत ही प्यारा दिन है ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले वो कह रहा है प्लीज़ वो देर तक सोई हुई है तो इसलिए उसको जगा रहा है कह रहा है कि ओ प्लीज़ अब तो जाग जाओ बच्चे को जगा रहा है कि अब जाग जाओ बहुत देर तक सोई हुए हो और बाहर आओ और खेलो दी वर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज बर्ड्स जो हैं पक्षी जो हैं चिड़िया जो हैं वो पेड़ों पर गा रही हैं एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज और तुम जो है बीज जो होती हैं मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो बजिंग करती हैं ना उन उस, उसके बजिंग करने की आवाज को भी सुन सकते हो तो देर तक सोने वाले बच्चों को वो इस तरह से जगा वेक अप, वेक अप, it's इट्स अ लवली डे ओ प्लीज up एंड कम एंड प्ले इट्स मच टू लेट टू लाई इन bed सो हरी अपू स्लीपी हैड वो इट इसमें भी यही कह रहा है कि देर तक सोने वाली बच्ची को बोल रहा है कि अब तुम बहुत देर हो गई ये बहुत प्यारा दिन है उठ जाओ और उठकर बाहर आकर खेलो इतनी देर तक इट्स टू मच लेट ये बहुत देर हो गई है लाई इन बेड बिस्तर पर लेटे हुए इतनी देर तक बिस्तर पर लेटना सही नहीं है सो so हरियप इसलिए जल्दी से आओ यू स्लीपी हैड मतलब सोए हुए सोया हुआ होता है स्लीपी हेड मतलब सो नींद के बाद भी हम उठने के बाद भी थोड़ी नींद सी में रहते हैं इस तरह से होते हैं तो इसलिए कह रहा है कि अब जल्दी नींद से बाहर आके बाहर जल्दी से बाहर आओ Wash and dress and come on out. Everyone is up and out. The cow, the horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up okay? Wash and dress. धो लो मुँह धो लो वॉश कर लो और जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर खेलने के लिए आओ एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट हर हर कोई जो है एवरीवन प्रत्येक कोई जो है हर कोई जाग गया है द काओ द हॉर्सेस काओ है गाय हैं घोड़े हैं डक्स हैं एंड शीप हैं भेड़ हैं बत्त हैं सब कुछ सब जाग गए हैं और जो टाइनियस्ट सबसे छोटी सी चिकन जो है वो भी चीप चीप कर रही हैं चूजे जो हैं वो भी चीप चीप कर रहे हैं इसलिए जाग जाओ कहता है कि इतनी देर तक मत सो अब ज़्यादा देर तक सोना ठीक नहीं है इसलिए तुम जाग जाओ और बाहर आके इस प्यारे दिन का आनंद लो पोइट इस बच्ची को यह कहकर जगाना चाह रहा है इसमें न्यू वर्ड्स हैं लवली बजिंग स्लीपी है एंड टाइनियस्ट लवली लवली मीन्स होता है ब्यूटीफुल बी ए यू टी आई एफ यू एल ब्यूटिफुल बजिंग बजिंग मीन्स साउंड ऑफ बीज बीज जो होती हैं जो साउंड करती हैं वो है, है होता है स्लीपी हेड होता है यानी कि ले जी टाइनीस्ट स्मॉलेस्ट एल इजेड बाई Smallest, S M A L, -L E स्मॉलेस्ट smallest. Next reading is fun. What do you? Question number नेक्स्ट रीडिंग What do you think birds say to each other in the morning? तुम क्या सोचते हो कि birds जो हैं वो एक दूसरे से मॉर्निंग में क्या कहती हैं तो आई थिंक birds से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर एक दूसरे से गुड मॉर्निंग बोलती होंगी सेकेंड क्वेश्चन है हु आर ऑलरेडी अवेक कौन पहले से ही जागे हुआ है कौन पहले से जगे हुए हैं तो द वर्ड्स एनिमल्स एंड एवरी वन आर ऑलरेडी अवेक ऑल क्रिएचर्स आर ऑलरेडी अवे इसको हम बोल सकते हैं द बीज दर्ड्स ली शीप्स एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक विच क्रिएचर्स क्वेश्चन नंबर थ्री है विच क्रिएटर्स वेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड ड इसमें भी आएगा दर्ड्स वीस शीप्स एंड चिकन अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड लेट्स राइट कनेक्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट हमें ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं इन्हें हमें इनका बट या एंड लगाकर इन दोनों किस में कौन सा सही रहेगा ये लगा कर पेयर बनाना है इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल ये टाइम स्कूल जाने का है आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम तो इसमें हम बट ऐड करेंगे ये स्कूल जाने का टाइम है लेकिन मैं अभी और थोड़ा समय और सोना चाहता हूँ या चाहती हूँ इट इज़ टाइम टू गैट अप फॉर गेट अप

शीला गॉट सम चॉकलेट्स फ़ॉर हर बर्थडे शी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू तो शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड न्यू क्लॉथ्स फ़ॉर हर बर्थडे क्योंकि उसने चॉकलेट्स और नए कपड़े लिए है ना तो एंड से करेंगे राजू plays क्रिकेट ही ऑल्सो plays हॉकी रालू राजू plays क्रिकेट एंड हॉकी क्योंकि वो क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है तो हमें से एंड से कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल गिवन बिलो इसमें ये डिग्रीज ऑफ कैम्पर कंपेरिजन दिया हुआ है पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव टाइनी टाइनियर टाइनियस्ट बेग इसका होगा बिगर बिगेस्ट स्लीपी स्लीपियर स्लीपियस्ट लवली लवलियर लवलीस्ट लेट लेटर लेटेस्ट राउंड राउंडर राउंडेस्ट स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट गुड बेटर बेस्ट इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और अगर समझ में आया हो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल और, और वीडियोज देखने के लिए प्लीज आप चैनल को विजिट करते रहिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग